गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज मोशन ऑफ द अर्थ। क्लास 6 SST। According to book, we will discuss about that what is the motion of earth. Let's see. आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा होगा, और हमारा क्वेश्चन क्या था, दैट इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या होता है और क्वेश्चंस हमारे क्या हैं। हम देखेंगे कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है और इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन व्हेन अर्थ रोटेट अराउंड द सन एंड मूव अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन वी कैन से दैट दिस इज नोन एज रोटेशन। एंड इफ यू मूव इट्स ओन एक्सिस दैट नोन एज रोटेशन, देन ऑप्शन विल बी ए इज राइट, द कॉज ऑफ रोटेशन इज डे एंड नाइट। ओके, एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे हम लोग। द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉज्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवॉल्यूशन के क्या कारण हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था समर एंड विंटर, ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस विल बी समर एंड विंटर। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक्स 12 hours, 7 days, 29 या 31 days, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 365 days, मीन्स 365.25 days। इसको अगर परफेक्ट तरीके से लिखेंगे तो 365.25 days। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करते हैं। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल एट द व्हाट, ट्रॉपिक, पोल्स, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन। तो क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल एट द, जो दिन और रात होते हैं वो कहाँ पर बराबर होते हैं। तो हम बोलेंगे वो इक्वेटर पर होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे इक्वेटर पे इक्वल होती हैं। मीन्स इसको हम लोग समझेंगे कि क्या इक्वेटर है। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ए एंड बी। एंड इक्वेटर दैट लाइन विच इज डिवाइडेड टू अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट, दैट इज नोन एज इक्वेटर। एंड इक्वेटर आल्सो इज एन इमेजिनरी पार्ट, एंड सिमिलरली वी विल नो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वॉट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड वॉट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को समझेंगे।
इक्वेटर जब अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो हम देखेंगे दैट लाइन विच इज गोज वेस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन नॉर्थ रीजियन दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब इक्वेटर के जो अपर पार्ट में लाइनें होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती हैं, एंड दैट लाइन्स विच इज बिलो द इक्वेटर इन साउथर्न रीजियन एंड गोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मीन्स अपर लाइन ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिलो पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड ऑल्सो वी विल नो अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। longitude and latitude, what is the longitude and latitude? Longitude is that which is goes from west to east, that is latitude, and longitude goes from north pole to south pole. These lines are known as longitude. And one things you have to remember that latitudes lines are always parallel to each other, but longitude lines are not parallel to each other. Remember that things and come and see question number 5. Question number 5 ko hum log solve karenge. To question number 5 hamara kya hai? That is वन रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स, एक रोटेट करने में अर्थ कितना दिन लेता है? देन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, वन डे। ओके एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट आंसर देखेंगे हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रेट क्रिसमस इन, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? देन आंसर विल बी समर, वो समर में सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड का, ऑन व्हाट इट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन द साउथर्न हेमोस्फेयर, जो इक्विनॉक्स है वो साउथर्न हेमोस्फीयर पर कब स्प्रिंग करता है? तो हम बोलेंगे 23 सितंबर। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, जून 21st इज द व्हाट सोलस्टिस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, 21st जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर कौन सा सोलस्टिस होता है? तो हम बोलेंगे समर सोलस्टिस, दिस इज समर सोलस्टिस। एंड फोर्थ, द पॉइंट क्लोजर टू द सन ऑन द अर्थ ऑर्बिटल पाथ इज कॉल्ड पेरिलियन। ओके एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस करेंगे। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वेरी ड्यू टू द टिल्ट इन द अर्थ एक्जिस्ट। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज क्लॉकवाइज एट द नॉर्थ पोल एंड एट द इक्वेटर। तो कह रहा है कि जो डायरेक्शन है किसका, रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का रोटेशन है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, किधर, नॉर्थ पोल एंड द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ पोल में।
तो हम लोग इसको जरा सा फिगर से समझेंगे कि जो हमारा अर्थ का रोटेशन है वो उसका डायरेक्शन क्या होता है। सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। देन द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। बट यू से दैट also this direction is known as east to west, then what will be answer right? So I can say that the earth rotate east to west as anti-clockwise, okay, not anti-clockwise. And now let's see question number third, and sorry, question number second. The North Pole is also known as the terrestrial North Pole. True. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? True. The North Pole is also known as the terrestrial North Pole. Then question number third will be, when the northern hemisphere is tilted towards the sun, it experiences winter. This is false. And fourth will be, due to the earth's axial tilt, day and night are evenly divided. This will be false. And last question, question number five. The point farthest away from the sun in the earth's orbit is called the aphelion. This is true. And now let's see question number fourth answer. Hum short answer ko note karenge, then question number fourth ka first attempt karenge. What is the earth's path? क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्थ पाथ अराउंड द सन कॉल्ड? उसे हम किस नाम से जानते हैं? जो अर्थ के चारों तरफ जो रास्ता, उसे किस नाम से जानते हैं? देन दैट इज नोन एज द अर्थ पाथ अराउंड द सन इज कॉल्ड, द अर्थ पाथ अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, सन इज कॉल्ड ऑर्बिट, ओके। सन के चारों तरफ जो रास्ता, उसे हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, What causes day and night on Earth? पृथ्वी पर दिन और रात होने के क्या कारण है? The answer will be the rotation of the Earth. The rotation of the Earth on its axis. Its axis causes day and night. Okay, जो पृथ्वी पर डे एंड नाइट होने का रीजन क्या है? वह हमारा रोटेशन। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। Let's see question number third. And third is define perihelion and aphelion. तो सबसे पहले हम देखेंगे perihelion क्या होता है। The earth distance from the sun. The earth distance from the sun
from the sun. Varies from the sun varies. Varies throughout the year. The point closest to the sun on the Earth's orbital. Closest to the sun on the Earth's orbital path is called the orbital path is path is called the perihelion. And now what is aphelion? The aphelion dekh lete hum log. What is the aphelion? An aphelion will be while the point farthest away from the sun is called the aphelion. The point farthest away from the sun is called the aphelion. And now question number fourth. What will be question number four? Question number fourth का आंसर देखेंगे हम लोग. Equinox means equal nights. Question पूछा है what is an equinox, then we can write equinox means equal nights. Equal nights, since days and night at this time are of equal duration. And now last question will be last question dekhenge question number 5. And question number 5, write any one difference between rotation and revolution. Hum rotation aur revolution ke beech different discuss karenge. So let's see question number 5th answer. Rotation is the moment of earth. Rotation is the moment of earth on its axis and revolution is the moment of earth around the sun. Rotation is the moment of earth on its axis and revolution is the moment of earth around the sun. Okay, so students यहाँ पे हम लोगों ने रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन को डिस्कस किया. सो यहाँ पे हम क्लास को ओवर करते हैं. चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ हम लोगों ने डिस्कस किया. अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे.
इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट मी आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो टिल दैट गुड बाय.